एवरीवन, गुड मॉर्निंग. से गुड मॉर्निंग गाइस. सो वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग्स. तो आज हम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं. एंड तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एयरपोर्ट रोड में है एंड अभी लॉन्च हुई है. तो अभी शायद वहाँ पे कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं. तो सो गाइस, दिस इज बेसिकली अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द गोदरेज अपार्टमेंट. तो लास्ट टाइम आई थिंक हम गोदरेज का प्रॉपर्टी लेने के लिए गए थे, बट वो हमें उतना सही नहीं लगा. सो वी एज यू नो लाइक नो, तो फिर वी गॉट अनदर वन फॉर आवर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. ओके, सो दिस वन वी आर गोइंग टू विजिट मोस्टली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. तो चल के देखते हैं, आई मीन क्या स्कोप्स हैं, क्या मतलब ओवर द टाइम रिटर्न्स आ सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. तो अभी चल के वहीं पे चल के देखते हैं. सो चलते हैं एंड फिर आपसे वहां मिलते हैं हम. सो लेट्स गो. तो अगर आप बैंगलोर में स्टे करते हो एंड कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आप ऐसा कोई भी चीज ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इस चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो. जो भी इनके रेट्स हैं, प्राइस हैं, वो सारी चीजें एक बार वहां जाने के बाद ही हमें भी नहीं मालूम है. तो एक बार हम वहां जाते हैं एंड फिर आपसे वो ऑलमोस्ट पूरी चीजें कवर करेंगे. सो गाइस, करेंटली वी आर इन न्यू एयरपोर्ट रोड. ओके, सो बेसिकली एयर स्पेस रोड. तो हम लोग पैनिक लाइक सिचुएशन में, बाइकर्स इधर बहुत बाइक चला रहे हैं विदाउट हेलमेट एनीथिंग. तो करेंटली वी आर गोइंग टू गोदरेज आनंदा. सो इनका क्या है कि फेज वन इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, इट्स इन प्रोग्रेस एंड दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड फेज टू. सो प्री लॉन्च ऑफर्स आर गोइंग ऑन. तो अभी हम लोग गोदरेज आनंदा जा रहे हैं, जो कि है जस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर्स बिफोर आर न्यू बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो हम वहीं जा रहे हैं. सो आई थिंक गूगल टूक इट फ्रॉम दिस एयर स्पेस रोड. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू बेंगलोर, है ना. सो आई थिंक और 7 किलोमीटर्स है यहाँ से. सो 11 मिनट्स और. तो लेट्स गो. फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे. एक्चुअली हमें गूगल ने बहुत घुमाया, एक ही रास्ते में हमने 3 बार जाके फिर रिवर्स हम आए, बट वो शायद अच्छे से रीड आउट नहीं कर रहा था. बट फाइनली हम पहुंच गए. तो एक बार गाड़ी वाड़ी करते हैं पार्क एंड उसके बाद से फिर हम अंदर जाते हैं एंड आपको सारी चीजें दिखाते हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. ये है गोदरेज आनंदा एंड बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है रोड से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो. एंड ये है इनकी बिल्डिंग्स. तो यहाँ से जब आप एंट्री लोगे तो आपसे थोड़ी बहुत चीजें पूछी जाएंगी, लाइक नेम्स एंड कहाँ से हो, आपने सुना ही है. तो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी पार्क कर देते हैं. स्पेस तो काफी अच्छा है पार्किंग का. पीछे जाके कर देंगे पैरेलल पार्किंग नहीं करना पड़ेगा. वही तो, पार्क वर्क करके एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं. एक फेज ये जो है ना सामने, मेरे को लगता है ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है इसमें, है ना. तो गाइस, गाड़ी पार्क करने के बाद दिन का जो ये मेन ऑफिस आप देख सकते हो, वहाँ हम जा रहे हैं. एंड स्ट्रेट जाके हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो इनकी ऑफिस का एरिया आएगा. तो एक बार हम ऑफिस में जाते हैं एंड जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था एक बार उनको कॉल करते हैं. तो धीरज यहाँ पे ऑलरेडी उनको कॉल किया था एंड वो लोग अंदर हमारा वेट कर रहे थे. तो एक बार जाके उनसे मिलते हैं एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो ये है अंदर का व्यू, आप देख सकते हो. लिटरली आई वाज शॉक्ड कि मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे. जितने भी वहाँ पे टेबल्स आपको दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे टेबल पे सारे क्लाइंट्स बैठे हुए थे एंड कुछ भी खाली नहीं था. तो फाइनली हमने भी हम अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर OTP वगैरह दे के स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन. एंड ये जो है इनका बिल्डिंग्स का जो भी जैसा इन्होंने बनाया है फेज वन फेज टू, इनके सारे ये हैं मॉडल्स. तो ये अभी हम आपको बताएंगे इनके बारे में डिटेल्स.
सो गाइस दीज आर द ऑल द एमिनिटीज. सो ऑल द एमिनिटीज आर बेसिक्स ओनली, आई मीन जो मिलते हैं. सो इफ यू विल सी दिस मैप राइट, सो इफ यू विल सी दिस सोल्ड आउट थिंग इज देयर राइट. सो दैट इज ब्लॉक ई एफ जी. सो जो फेज वन के पार्ट थे दैट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. सो दैट्स व्हाट दे हैव केप्ट इट हियर. सो उसके मॉडल तो नहीं है. सो दिस इज द स्टेट हाईवे बेसिकली. तो ये जस्ट नेक्स्ट टू स्टेट हाईवे वी हैव दिस प्रॉपर्टी लोकेटेड. सही है. एंड इफ यू विल सी दिस राइट, सो ये जो ब्लॉक्स हैं ये ए बी सी डी, देर आर फोर ब्लॉक्स हियर. सो इट्स कम्बाइंड 2 BHK एंड 3 BHK. सो मोस्टली लाइक सो देर इज़ नो 1 BHK. सो इट्स 2 BHK एंड 3 BHK इटसेल्फ. सो जो अभी इन्होंने हमें जो बताया कि द ओनली थिंग्स अवेलेबल आर इन ए ब्लॉक मोस्टली. सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं साइट पे एंड इनका जो सामने में आप देख सकते हो बिल्डिंग मॉडल्स जो भी बने हुए हैं वो हमने देख लिया एंड अभी हम इनके रूम्स वगैरह देखने जाते हैं. सो गाइस अंदर हम लोग गए थे ऑफिस में एंड सारी जानकारी हमें मिल गई एज पर डिटेल्स. So, अभी हम घर चल के विल लेट यू नो कि हमने बुक किया कि नहीं या फिर मतलब सारी डिटेल्स जो भी 1 BHK 2 BHK के जो भी थे सारे हमने वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं. तो वो सारे आप कहीं भी वीडियो स्किप मत करना अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो गाइस दिस इज द 2 BHK का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस. सो थोड़े छोटे छोटे रूम हैं बट आई थिंक यू नो फॉर रेंटिंग पर्पज इट्स फाइन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. सो दिस इज़ द लिविंग एरिया एंड दिस इज़ द आई थिंक इट्स बेडरूम. दिस इज़ द मास्टर बेडरूम आई थिंक है ना. सो द बेडरूम मास्टर बेडरूम साइज इज़ 11x10. ओके सो ओवरऑल लाइक यू नो ये गोदरेज है सो डेफिनेटली यू नो द क्वालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स आर सुपर्ब. उसमें कोई इशू नहीं है. द लिविंग एरिया साइज इज़ 15x10. ओके सो फॉर 2 BHK आई मीन इट्स ओवरऑल गुड फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली. ओके एंड किचन दिस इज़ द किचन एंड देन वी हैव दिस यूटिलिटी एरिया ऑल्सो इन द किचन. सो दिस इज बेसिकली 15 square feet. सो फॉर इन केस ऑफ 2 BHK. ओके सो दिस इज सेम द लिविंग एरिया. दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. सो मास्टर बेडरूम इज़ लाइक 11x10. सो इससे थोड़ा छोटा ही है किड्स बेडरूम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा. एंड या सो प्रॉपरली फिटेड वॉशरूम्स गुड. दिस इज़ अगेन द लिविंग एरिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 BHK. सो गाइस दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3 BHK. अभी हमने 2 BHK देख लिया ऑलरेडी. सो द डिफरेंस बिटवीन 2 BHK एंड 3 BHK इज़ ओनली इन द दिस लिविंग एरिया. ठीक है जो कि थोड़ा सा बड़ा है देन 2 BHK एंड दिस किचन आल्सो जिसका विड्थ थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेयर टू 2 BHK. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. और एक मेजर डिफरेंस है आई मीन सिंस इज 3 BHK देर आर 3 bedrooms. ऑल द बेडरूम साइज सेम है. वॉशरूम्स एवरीथिंग इज सेम. द दिस यू नो दिस बालकनी एरिया एवरीथिंग इज सेम. सो द ओनली थिंग इज थोड़ा सा हॉल एरिया आई मीन लिविंग एरिया एंड द किचन थोड़ा सा विड्थ बड़ा है. सो दैट्स इट. इवन लाइक यू नो द यूटिलिटी एरिया का साइज भी डायमेंशंस एग्जैक्टली इट्स मोर ओवर द सेम. सो आई मीन इट्स गुड लाइक इफ यू 3 BHK वुड बी सफिशेंट. 2 BHK तो काफ़ी छोटा है. दैट्स परफेक्टली फाइन ओनली फॉर न्यूक्लियर फैमिली और फॉर रेंटिंग और फॉर इन्वेस्टमेंट. दैट्स वॉट वी फाउंड एंड वो सही भी है बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट वॉज फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ सम अदर अपार्टमेंट फ्लैट बुकड फॉर आवर लिविंग. सो या ओवरऑल दिस इज द थिंग अबाउट 3 BHK. सो नाउ लेट्स गो फॉर द प्राइसिंग एंड ऑल दोज डिटेल्स. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइसिंग. तो हमें तो 2 BHK लेना था. सो फॉर 2 BHK द प्राइसिंग वॉज अराउंड 49 lakhs. सो सिंस की ये फेज टू है दे हैव ऑलरेडी इंक्रीज द प्राइस बाय 6 lakhs. सो फेज वन में 2 BHK का प्राइस वॉज अराउंड 42-43 lakhs. नाउ फेज टू में प्री लॉन्च ऑफर दे आर ऑफरिंग लाइक 49 lakhs. तो हमने ज़्यादा डिस्काउंट के बारे में अभी बात किया नहीं उनसे. एंड
बट द थिंग इज लाइक यू नो 2 BHK वॉज 49 एंड 3 BHK वॉज अराउंड 69 lakhs विच इज 6 lakhs मोर देन वॉट एवर प्राइस दे वर ऑफरिंग इन फेज वन. बट एट द एंड वी डिसाइडेड लाइक यू नो अभी हम बुक नहीं करेंगे बिकॉज देर वेर सम रीजन्स की आर वी आर ऑलरेडी बाइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. सो सिंस वी आर बाइंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज 6 lakh rupees क्यों देना बिकॉज देर आर ऑलरेडी मल्टीपल प्री लॉन्च ऑफर्स होते रहते हैं. आई मीन प्रेस्टीज के आएंगे और बहुत लोग आएंगे. सो वी थॉट ऑफ कि हम फेज वन किसी भी दूसरे बिल्डर का फेज वन के लिए वेट करेंगे एंड देन विल गो विद द करेक्ट प्राइस थोड़ा लेस प्राइस में फेज वन में ही बुक करेंगे. सो वी थॉट ऑफ लेट्स नॉट बुक इट. 6 lakh rupees क्यों देना है बिकॉज इट्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. हमारे 6 lakh rupees तो आई मीन ऑलरेडी वी आर पेइंग मोर. तो हम फिर इसको सेल करके या फिर फ्यूचर में रेडी होने के बाद और कितना ही पैसा मोर रिटर्न मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी थॉट विल नॉट बुक इट. सो गाइज इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. लाइक ये बहुत ही बैंगलोर से आउटर में है. आप मतलब बहुत ही बैंगलोर से ये बाहर है. तो अगर आप रहने के लिए ले रहे हो एंड अगर आप कहीं बैंगलोर सिटी में काम करते हो फॉर एग्जांपल बिलांदूर या फिर एमजी रोड जयनगर जेपी नगर तो इस प्लेस पे आप नहीं रह सकते हो बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम दोस प्लेसेस. तो ये पूरा आउटर में है. यहाँ अगर आप फ्लैट ले रहे हो अगर वहां पे तो आप ऐसे रेंट पे दे सकते हो या फिर अभी आप लेके एंड फिर आफ्टर 2 years 3 years बेच सकते हो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से. तो ये सारी चीजों के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको इधर रहना है तो आप लो इधर. वो एक हमने पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया राइट तो वो हमारे तरफ से एक आपके लिए छोटा सा क्या सजेशन. यस तो फिर चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वीडियो के साथ. सो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय टेक केयर थैंक्स.